एक सती का अपमान ना हो, इसकी रक्षा आपका परम धर्म था। आपको उस समय उसी में रत होना चाहिए था। मीरा के सामने जब जब बाण माता को प्रणाम करने की स्थिति आई, उस समय मीरा कृष्ण के प्रेम में थी, और एक प्रेमी के लिए आठे पहर तुम्हारी आसा ऐसी भक्ति करे रदासा। और फिर कथा सुनने के लिए मीरा जी थोड़ी आई थी, वो तो आप आए थे ना, तो आपको क्या अनुकूल है मैंने वो कहा। आई हैव टू बी स्मार्ट व्हेन आई ओरेट। ये व्यासपीठ का कर्तव्य है कि आपको आपके अनुकूल क्या है ये कहा जाए। यही सुंदर भी है, पर फिर भी जिसने भी पूछा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, भगवान आपका मंगल करें और आप इसी प्रकार ध्यान से सुनते रहें। तो मैं कह रहा था कि जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। अगर आपकी प्रीति को प्रतीति का आधार नहीं है तो जीवन में प्रतिकूलता आएगी और आप विचलित हो जाएंगे, और यदि आप विचलित हुए तो फिर किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ए दिल संभल के जाना उस राह पर, प्रेम को पंथ करार महा तलवार की धार पे धानो है। और श्री कृष्ण का स्वभाव है कि उन्हें अपने भक्त में कोई भी दोष स्वीकार है वो परवाह नहीं करते, लेकिन उनके होते हुए उनका भक्त किसी अन्य का आश्रय करे ये उन्हें स्वीकार नहीं है, ये उन्हें स्वीकार नहीं है। कल भक्ति के स्वरूप के विषय में मैंने आपसे यही निवेदन किया था, आपको स्मरण होवे तो, कि एक नव यौवन संपन्ना अति सुंदरी अमूल्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित एक स्त्री हो लेकिन वेश्या हो तो सज्जन पुरुष उसको उसकी ओर देखते भी नहीं, और वहीं दूसरी ओर मैले कुचैले वस्त्रों में लिपटी कोई स्त्री हो लेकिन पतिव्रता हो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाकर स्वयं को कृतार्थ करते हैं यदि पतिव्रता हो तो। और एक ही स्थिति में भावना भक्ति कहलाने योग्य है जब वो पतिव्रता हो तो, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। भक्ति का पातिव्रत यही है कि वो भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य का आश्रय न करे। और यदि आपको अपने इष्ट के स्वरूप की प्रतीति नहीं हुई तो आप विचलित हो ही जाएंगे, कोई ना कोई अन्य आश्रय आप ले बैठेंगे, तन से नहीं तो मन से ले बैठेंगे। अरे चार दिन बुखार नहीं टूटे तो आदमी से सोचने लगता है कि पूछ लो पंडित जी से क्या हो गया, किसी ने कुछ करवर नहीं दिया हो, ऐसा होता है ना, किसी ने कुछ कर नहीं दिया हो। कितने दुर्बल हैं आप, कितना दुर्बल आपका मन है। और कल मैंने आपको सुनाया था प्रेम तो सबसे पहला गुण जो आपको देता है वो निर्भयता है। हमारा यार है हमने हमन को इंतजारी क्या, प्रथम गुण है ये प्रेम का। जैसे स्पर्श होगा, प्रेम का हृदय को स्पर्श होगा, सबसे पहला लक्षण जीवन में आएगा निर्भयता, मस्ती, चाह गई और चिंता मिटी। और बिन प्रतीति हुई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिन द्रवई नरा, राम कृपा बिन सुपने हो जीव ना ले विश्राम। विश्वास भक्ति नहीं, और फिर विश्वास कैसे मिले, यहां पर जीवन में आवश्यकता पड़ती है भक्त की, संत की। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि मंदिर की मूर्ति हाथ में रखी पोथी,
मंत्र वो प्रतीक है, पर भक्त उसका जीता जागता प्रमाण है। इस लोक में अगर कृष्ण को प्रमाणित किया किसी ने, तो फिर वो मीरा ने किया है। अगर किसी ने सजीव कर दिया, साकार कर दिया राम को, तो वो तुलसी की मानस ने किया है। मैं चार पंक्तियां गुनगुनाऊंगा, आपके सामने चित्र खड़ा हो जाएगा। ये भक्त का सामर्थ्य है, क्योंकि वो जीता जागता प्रमाण है। उसने उस सत्य को उपलब्ध किया है, उसने उस सत्य को अनुभूत किया है। उसे अनुभूति है, उसे उपलब्धि है। यहां पर आवश्यकता आपको पड़ेगी एक भक्त की, एक संत की जीवन में, क्योंकि जो विश्वास है, यह गुण साधन ते नहीं हुई। किसका विश्वास करेंगे जिसे कभी देखा नहीं? कैसे भरोसा कर लेंगे जिसके बोल कभी कान में पड़े नहीं? जन्म जन्मांतरों से मैला कुचैला मन होने के कारण किसी ने, जिसने कभी आपके उर अंतर का स्पर्श नहीं किया, कैसे देखेंगे उसे, कैसे सुनेंगे उसे, और बिना देखे सुने कैसे विश्वास करेंगे उसका? इसीलिए व्यासपीठ ने निवेदन किया था बाप कि कृष्ण मीरा के निकट जाइए कृष्ण को खोज निकालने के लिए। पास जाइए मीरा के, कृष्ण की खुशबू आएगी। कृष्ण की सुवास कैसी है, कृष्ण का स्वरूप कैसा है, कृष्ण का स्वभाव कैसा है, और फिर भगवान की कृपा का अतिरेक होता है। भगवान अगर सर्वोपरि कुछ देते हैं जब प्रसन्न होकर, तो संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा कर चितवत जेहि। एक गुण साधन ते नहीं हुई, विश्वास आप नहीं कर पाएंगे। और भजन के मार्ग पर यही तो अंधे की लकड़ी है, जिसे थाम थाम कर एक एक पग आगे बढ़ा जाता है। तीर्थ व्रत को नहीं अंधेसा। क्या है शबरी के पास? मुझे तो लगता है कि सब्र से ही उसका नाम सबरी हुआ होगा, और सबरी से शबरी हो गया होगा। उसने सब्र किया है, प्रतीक्षा, और उस प्रतीक्षा के मूल में अवलंबन क्या था? गुरु के वचन का विश्वास कि तेरी कुटिया में राम आएंगे। बस गुरु ने कभी मौज में आकर कह दिया कि तेरी कुटिया में राम आएंगे, तू प्रतीक्षा करना, और वो प्रतीक्षा पुरुषार्थ हो गया। और पुरुषार्थ भी कैसा, पुरुषार्थ भी कैसा कि भगवान ढूंढ ढूंढ कर आए, भगवान खोज रहे हैं शबरी की कुटिया कहाँ है। वो ऋषि मुनि जो जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आस लगाए बैठे थे कि भगवान आएंगे, लेकिन उनको बड़ा मान था अपने अपने साधन का, अपने पुरुषार्थ का, कि हमने इतना पुरुषार्थ किया है, इतना साधन किया है, क्यों नहीं आएंगे भगवान? और भगवान तो शायद मानस में एक एक स्थान ऐसा आता है जहां श्री रघुनाथ जी, जहां श्री रघुनाथ जी विह्वल दिखाई पड़ते हैं खोजते खोजते कि शबरी की कुटिया कहाँ है, शबरी की कुटिया कहाँ है। दृष्टिपात तक नहीं किया भगवान ने किसी पर, पूछते पूछते खोजते खोजते जगत बंधु पहुंचे हैं शबरी की कुटिया में। क्या है पुरुषार्थ, क्या है प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा का अवलंबन क्या है? देखो, चलने के लिए सहारा चाहिए, जीव दुर्बल है। जैसे आपने देखा हो वृक्ष के चारों ओर जो बेल लिपटी होती है, उसे ऊर्ध्वगमन करने के लिए वृक्ष का सहारा चाहिए। ऐसे जीव को भी सबसे पहले तो स्वीकार करिए कि आप दुर्बल हैं, आप नहीं चल पाएंगे, और जिसने चलने का दुस्साहस किया है वो भटका है। नहीं तो तुलसी बाबा नहीं कहते, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि संकर सम हो। क्योंकि जो ये सोचे कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो कबीर कहते हैं, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखी सुनी न कान। एक बार एक ऐसे ही एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछ लिया, क्या जरूरत है किसी की?
वो तो सबका है, सबका मालिक है। तो फकीर फकीर ही थे, अपनी मस्ती में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि हां बिल्कुल सबका है, सबका मालिक है, जा जाकर मिल ले। युवक ने प्रयास करना आरंभ किया, पर कहां पहुंचता? यात्रा ही गलत स्थान से आरंभ की कि मैं अकेला जा सकता हूं। दंभ को साथ लेके चला, समर्पण को साथ लेके चलता, अनुरोध के स्वर से ये आध्यात्म की यात्रा का गीत आरंभ होता है। अनुरोध के स्वर से, विरोध के स्वर से नहीं, अवरोध के स्वर से नहीं, अनुरोध के स्वर से, निवेदन के स्वर से, प्रणाम करके आरंभ करिए इस यात्रा का गुरु चरणों में। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर ही निकर। तो फकीर ने कहा जा ढूंढ मिल। बेचारा थका हारा लौट आया, सामने राजा का महल था। तो फकीर ने कहा, फकीर मौज में रहने वाले थे, फकीर ने कहा कि देख, या तो इस महल को हिला, नहीं तो मेरे साथ बैठ, दो घूंट पी और महल हिलता हुआ देख। अब जो आसान लगता हो सो कर। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, सीधे 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 समर्पित होइए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और इतने अल्प से जीवन में बुद्धिमानी भी यही है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिले। सबसे पहले स्वीकार करिए आप दुर्बल हैं, आप नहीं चल पाएंगे। अवलंब बनेगा गुरु आपका, और वो इतना सुदृढ़ अवलंब होगा, वो उस पुरुषार्थ के मूल में क्या थी प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा के मूल में क्या था गुरु का एक वचन, जासु वचन रवि कर ही निकर। मैं तो कई बार जब एकांत में चिंतन करता हूं तो देखता हूं कि कैसे कैसे वैचारिक झंझावात आए होंगे शबरी के जीवन में। कितनी लंबी प्रतीक्षा, अपनी ओर देखती है तो अधम ते अधम हीन मैं नारी। तीरथ व्रत को नहीं अंदेसा, तुम्हरे चरण काल का भरोसा, जहां जहां जा तुम्हारी से आवश्यक है। और अवलंब भक्त के अतिरिक्त आपको कोई दे नहीं सकता, संत के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता, सदगुरु के अलावा किसी की सामर्थ्य नहीं है जो जो आपको आपको अधिकारी कर दे, आपको पात्र बना दे। बीज भी हो, मिट्टी भी हो, पर किसान ना हो तो कैसे बीज से फल की यात्रा करे। मिट्टी हो, चाक हो, कुम्हार ना हो, कैसे पात्र बने। आप हो, वो हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, पर महात्मा ना हो तो फिर कैसे बात बने। ये भक्त की आवश्यकता है, और फिर भक्त का स्वरूप और स्वभाव ये भक्तमाल बताती है। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे श्रीमुख कमला कंत। हरि को भजन साध की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे बिस सम देखे माया। सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, और सत्य वचन सबको सुखदायक गहे अनन्य व्रत एकी।
इंद्री जित अभिमान न ताके, करे जगत को पावन भगवत रसिक, तास की संगति तीनों ताप न सावन। इतने गुण जामे सो संत। स्वरूप कैसा? जिसे देखकर भगवत स्मृति हो जाए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। आप लोग ऐसे ही कीर्तन करते करते थोड़ा आगे आ जाइए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 क्षण बताया है। क्या पहचान है भक्त की? कल मैंने विराम के क्षणों में निवेदन किया था, भजन के पथ पर आगे बढ़े तो फ्यू माइलस्टोन्स विल बी एविडेंट। कुछ मील के पत्थर दिखाई पड़ेंगे आपको, वो दिखाई पड़े तभी समझिएगा कि आप ठीक दिशा में आगे जा रहे हैं। जैसे प्रेम सा दिखाई पड़ता, एक और भाव है जिसे मोह कहते हैं, आसक्ति, वो बिल्कुल प्रेम सा ही दिखाई पड़ता है। कैसा? जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब, इतना एक सा। लेकिन बिंब में और दर्पण में पड़ रहे प्रतिबिंब में एक भेद होता है। बता सकते हैं क्या होता है? दाएं और बाएं का भेद होता है। दर्पण में जब प्रतिबिंब पड़ता है वो बिल्कुल एक सा है, लेकिन दाएं बाएं का भेद है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही राम और काम बिल्कुल एक से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दाएं बाएं का भेद है। राम है तो फिर पहले प्रियतम का सुख है और प्रियतम के सुख में मेरा सुख है, और फिर काम है तो सहज में ही पहले स्वसुख की कामना होगी, पहले स्वसुख का भाव जगेगा और पश्चात कुछ और सोच पाएंगे आप। और मैंने तो पूर्व ही आपसे निवेदन कर दिया, स्वार्थ आपके उर अंतर को कलुषित करता है, संकुचित कर देता है। जब आप छीन झपट कर अधिकार करना चाहते हैं, समझ लीजिए आपका मन मैला हो गया है, कलुषित वृत्ति है ये, इसने आपकी पात्रता को संकुचित कर दिया। आप मनुष्य हैं, अब भगवान होने के लिए आए हैं यहां। अहम ब्रह्मास्मि, वेदांत का ये उद्घोष संकेत करता है आप किस लिए आए हैं यहां। आप मनुष्य हैं, भगवान ने अपना सा तन दिया है, अपना सा आकार दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिए, साधन दिया है, संस्कार दिए, सत्संग दिया है, अपना नाम दिया है, सत्पुरुषों का संग दिया है। किस लिए? वो भोगने के लिए जो पशु भी भोगता है। अगर आप ब्रेन मैपिंग करा लें,
नाली में पड़े हुए शुकर की और मनुष्य की, वो मनुष्य जो एक वातानुकूलित कक्ष में बैठा है मखमली गद्दे पर, और वो शुकर जो नाली में बैठा है, यदि आप ब्रेन मैपिंग कराएंगे तो दोनों का आनंद एक सा नहीं होगा, शुकर का आनंद अधिक होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन कभी पूर्ण रूपेण सुखी नहीं होता, कहीं ना कहीं मन चित्त की वृत्ति विचलित रहती है। तो कभी विचार करिए कि क्या केवल इसीलिए मनुष्य हुए थे? कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल विहीना तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। और मैं तो बार बार आपको चेताता रहूंगा, अपनी कसौटी आपको ही बनना पड़ेगा। किसी ने पूछा कि आत्मचिंतन की विधि क्या है, तो आत्मचिंतन की विधि है मौन, एकांत और स्वाध्याय। ये आत्मचिंतन की विधि है, मौन, एकांत और स्वाध्याय। और जैसे गंगा में स्नान करने का पुण्य कुछ और है, यमुना का फल कुछ और है, सरस्वती कुछ और देती है, और कोई प्रयाग में जाकर स्नान कर ले तो उसे त्रिवेणी संगम का पुण्य प्राप्त होता है, इसी तरह मौन, एकांत और स्वाध्याय तीनों किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, सत्संग में बैठकर। ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये आपको निःशब्द की यात्रा कराएंगे, यदि आप सुन पाए तो, यदि आप श्रवण कर पाए तो। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर विच विल टेक यू टू द पॉइंट वेयर साइलेंस स्पीक्स, यहां पर मौन कहता है। मैं अपने आसपास कई बार देखता हूं कि कुछ लोग आएंगे, बात करेंगे, किस लिए? कि केवल उनको बोलना है बस, उनके पास कोई बात नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं, बस केवल बोलना है इसीलिए। और मैं मन में विचार करता हूं कि मैं बहुत विश्वास से आपको कह रहा हूं कि यदि साधु साधु है तो, यदि साधु साधु है, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम, यदि साधु साधु है तो उसके शब्दों से कहीं अधिक सामर्थ्य उसके मौन में होता है। उसके शब्द उसको बहिर्मुख करते हैं, उसका मौन उसे अंतर्मुख करता है। और जब वो अंतर्मुख होगा, जब वो जुड़ा होगा, when he is connected, तब तो उसके आभा मंडल से आप कहीं अधिक लाभ ले सकते हैं। इसीलिए अकारण संतों से बोलना बतियाना नहीं चाहिए। आई एम नॉट समवन हु इज हाई हेडेड, और इसीलिए नहीं मिलता हूं आपसे। आपसे मिलने के लिए ही तो यह व्यवस्था है, लेकिन आपसे आपसे तन और मन के स्तर पर नहीं, आपसे आत्मा के स्तर पर मिल सकूं, इसी के लिए भगवान ने यह सत्संग की व्यवस्था की है। यही मिलना है, वो विक्षेप है, वो शोर है, वो कोलाहल है। यहां से अतिरिक्त आप जो बात करते हैं वो मेरे लिए शोर है, वो कोलाहल है, वो मेरे मन में विक्षेप उत्पन्न करता है। एकांत मेरे जीवन का आहार है, और जब कोई मेरा एकांत भंग करता है तो जैसे किसी भूखे व्यक्ति के हाथ से कोई भोजन का निवाला लेता हो, ऐसी अनुभूति मुझे होती है। और मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, हो सके तो लाभ लेना, कभी आपको भगवान अवसर दें तो, कि साधु कहे तो बहुत अच्छा है, साधु कुछ कहे तो बहुत अच्छा है, नहीं कहे तो अति उत्तम है, उसके मौन में बहुत बड़ा बल है। जस्ट बाय सिटिंग नियर टू अ सेंटली फिगर इज द प्रोसेस ऑफ ऑरा क्लींजिंग, वो आपके आभा मंडल को स्वच्छ कर देगा, पवित्र कर देगा, सात्विक कर देगा। चूक मत जाइएगा, मौन रहिएगा, सीखिए मौन रहना।
आत्मचिंतन की विधा में सबसे पहली आवश्यकता है आप मौन हो। शब्द से ही तो विक्षेप है जीवन में। घंटों फोन पर बतियाते हैं आप, ओ माय गॉड, घंटों। कितना बड़ा दुरुपयोग है ये जीवनी शक्ति का। यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ एनर्जी। आपको जो नहीं देखना वो आप देखते हैं, जो नहीं सुनना आप सुनते हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है, एक कथानक है कि देवर्षि नारद के मन में बहुत शास्त्र पढ़ लेने से विक्षेप उत्पन्न हो गया, विचार शक्ति क्षीण हो गई। अब एक डिस्ट्रैक्शन वॉज देयर, सनकादिक मिले। अब उन्होंने कहा कि अब आप एक युक्ति आपको देते हैं कि आपके मन का विक्षेप दूर हो जाए। बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, बोले अब आप करिए कि बस एक नाम पकड़िए, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। फॉर व्हाट पर्पज गुरु इज देयर, फॉर व्हाट पर्पज मंत्र इज देयर, इष्ट इज देयर, डीटी इज देयर, जस्ट टू मेक यू अलाइंड, इज द अलाइनमेंट प्रोसेस। मंत्र कुछ नहीं करता, नाम का रटन क्या करता है, आपको आपको रीअलाइन करता है, आपका पुनः संग्रेखण कर देता है वो, फिर से वो आपकी पात्रता का पुनः निर्माण कर देता है। आत्मचिंतन की विधि है कि या तो किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठ जाइए, उसका उसका मौन ले जाएगा आपको आपके निकट, और न हो तो फिर थोड़ा जीवन में एकांत लाइए, थोड़ा जीवन में मौन लाइए, और थोड़ा जीवन में स्वाध्याय लाइए। ये मौन, एकांत और स्वाध्याय, ये गंगा, यमुना और सरस्वती है। और फिर दोहराता हूं कि तीनों की धारा एक साथ मिल जाए, अगर कभी सौभाग्य से, भगवत कृपा से किसी संत के चरणों में बैठने का अवसर मिल जाए, साधु संग मिल जाए। तो मैं ये कह रहा था कि जब पथ पर चलेंगे तो कुछ मील के पत्थर आएंगे, देखते रहना। नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अवानी है रहे देत और को मां। नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, तो पहला लक्षण है, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्री गौरांग महाप्रभु की वाणी कहती है, और भक्त के स्वरूप और स्वभाव का एक श्लोक में श्री महाप्रभु ने पूर्ण रूपेण चित्रण कर दिया है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। आप अमानी है रहे और देत और को मान। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, मैंने यही श्लोक में कह रहा था कि आप अमानी है रहे देत और को मान, बोले हम तो मंच पर आना चाहते हैं आपको माला पहनाने, और आप आने ही नहीं देते। हम तो चाहते ही हैं कि आपको सम्मान दे, और आप लेते ही नहीं। जीवन में कोई भी भाव दंभ ना हो। दंभ आपको भगवान से बहुत दूर ले जाता है, दंभ आपको सत्य से बहुत दूर ले जाता है, आपको नितांत अयोग्य कर देता है। जीवन में सबसे बड़ा विध्वंस जो है वो असत्य है, दंभ। आप नहीं जानते, आप कहते हैं हम जानते हैं। आप नहीं चाहते, आप कहते हैं हम चाहते हैं। और तुलसी बाबा तो कहते हैं, सठ सुधरई सत संगति पाई। सठ माने मूर्ख, क्षमा करें, सठ माने क्रोधी, कठोर हृदय, कुटिल, पापी, दुष्ट। बोले ऐसा व्यक्ति तो सत्संगति पाके सुधर जाता है, पर मूर्ख होई की ज्ञान, जो गुरु होई विरंचिसम, ब्रह्मा जैसा गुरु भी होए मूर्ख नहीं समझता। मूर्ख माने जो नहीं जानता वो मूर्ख नहीं है, जो नहीं जानता लेकिन ये समझता है कि मैं जानता हूं वो मूर्ख है। उसे ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकते, उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, वो नहीं समझेगा। मूर्ख होई की ज्ञान,
अब वो तो आप जाने,